हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स सेकंड चैप्टर सेट्स, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी तक हमको एग्जाम्स में पूछा गया है। आप चाहे तो इसको आप नोट्स भी कर ले सकते हैं। अब देखेंगे एक एक क्वेश्चन। यहाँ पर हमको एक क्वेश्चन दिया गया है, मार्च 2015 का क्वेश्चन है ये। राइट द रोस्टर फॉर्म of the set A is equal to x by x is equal to 2n plus 1, x for all n। इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है, हमको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे गिवन A is equal to x by x is equal to 2n plus 1, x for all n, n नेचुरल नंबर से। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर तब क्या हो जाएगा, देन देखिए यहां पर क्या दिया गया, हमको 2n प्लस 1 दे दिया गया है। तब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू n इज इक्वल टू, सॉरी n इज इक्वल टू 1 2 3 ये सब्स्टिट्यूट करेंगे सपोज, तब क्या हो जाएगा, ये देखिए यहां पर ये 2n को लेंगे हम, पहले 2n प्लस 1 अगर ले रहे हैं, 2n के प्लस में अगर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे प्लस 1, 2 1 2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3। उसी तरह हम 2n के प्लस में नेक्स्ट 2 रखेंगे प्लस 1, 2 टू 4 प्लस 1 ये हो जाएगा 5। उसी तरह 2n के प्लस में हम 3 रखेंगे प्लस 1, 2 3 6 प्लस 1 ये हो जाएगा 7। ये हमारे आंसर्स आ गए, इसलिए यहां पर हम लिख सकते हैं सो, यहां पर लिखेंगे सो 3 5, 7 और 9 इस तरह आ जाएंगे, ये हो जाएंगे रोस्टर फॉर्म। यही फॉर्म में हमको लिखना है। यहां पर देखिए मार्च 2016 का क्वेश्चन है। एक्स इज ए सेट ऑफ ए फैक्टर ऑफ 24। एक्स सेट है 24 फैक्टर का एंड वाई इज द सेट ऑफ फैक्टर 36। वाई 36 का फैक्टर है, वाई क्या है 36 का फैक्टर है। देन सेट एक्स यूनियन वाई एंड एक्स इंटरसेक्शन वाई बाय यूजिंग वेन डायग्राम एंड कमेंट ऑन द आंसर। हमको क्या करना है, एक्स यूनियन वाई करना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई करते हुए वेन डायग्राम भी इसको ड्रॉ करना है, उसी तरह हमको इसके आंसर के ऊपर भी कमेंट भी हमको करना है। तब हम क्या करेंगे, यहां पर हम ले लेंगे गिवन एक्स इज ए सेट ऑफ फैक्टर ऑफ 24 का फैक्टर है, तब क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू ए फैक्टर्स, और 24 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 1 2 3 हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा, 4 भी फैक्टर हो जाएगा, 6 भी फैक्टर हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा, 12 24 ये सभी 24 के फैक्टर्स है, ये सभी के टेबल में 24 आएगा। उसी तरह यहां पर y दे दिया गया हमको, y इज ए सेट ऑफ फैक्टर 36 ये दे दिया गया है। इसके लिए हम y इज इक्वल टू लिखेंगे, 1 भी फैक्टर हो जाएगा 36, 2 3 4 6 9 12 18 36 ये सभी 36 का फैक्टर हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, x यूनियन, पहले x यूनियन y फाइंड आउट करना है, तब x के वैल्यूज लिखेंगे 1 2 3 4 5 सॉरी 5 नहीं है 6 8 12 24 यूनियन वाई के वैल्यूज 1 2 3 4 6 9 12 18 36 ये लिख लिया हम। यूनियन में क्या हो जाएगा, ये पूरों को हम सीरियल वाइज लिखेंगे 1 2 3 4 5 नहीं है 6 उसी तरह 8 9 और 12 उसी तरह 18 24 36 ये हो जाएगा यूनियन। यूनियन का मतलब क्या है, जो भी क्वेश्चन नंबर्स है उसी को हम सीरियल वाइज लिखना है। अब हम करेंगे ए इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स की वैल्यू है 1 2 3 4 6 8 12 24 इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू है 1 2 3 4 6
9, 12, 18, 36। इंटरसेक्शन का मतलब मीनिंग क्या है, दोनों में जो कॉमन है वो लिखना है। अब देखिए इन दोनों में जो कॉमन कौन से रहेंगे आपको पता है, 1, 2, 3, 4, 6, 12 ये कॉमन है, ये 1, 1, 2, 2 कॉमन लिख दी। अब इसको वेन डायग्राम डालना है, तो एक्स यूनियन अगर वाई का वेन डायग्राम आप डालना चाह रहे तो इसको एक्स दे देंगे वाई दे देंगे, एक्स और वाई। देखिए यहां पर एक्स और वाई जो भी डबल नंबर्स है वो आप क्या करिए यहां पे लिखिए, दोनों ब्रैकेटों में जो कॉमन नंबर है यहां पर लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 6, 12 यहां पर लिखेंगे। फिर रिमेनिंग ए के 8 और 24 यहां पर आ जाएगा, उसी तरह 8, 12, 36 यहां पर आ जाएगा। एक्स इंटरसेक्शन वाई इसका वेन डायग्राम लेना है आपको, तो दोनों में जो कॉमन है यहां पर लिखेंगे, यहां पर कॉमन वाले कौन से हैं कॉमन यहां पर, 1, 2, 3, 4, 6, 12 उसी तरह आ जाएगा। अब यहां पर आप लिखेंगे 8, 24 उसी तरह यहां पर आ जाएगा 8, 9, 18, 36 यहां पर आ जाएगा। इस तरह आप इसका वेन डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। देखिए मार्च 2018 का एक क्वेश्चन दिया गया है यहां पर, क्वेश्चन क्या है देखिए, इफ ए इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, एक्स लेस देन आर 50, एक्स बिलोंग टू एन है ये, बी इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स एम प्लस 1, 8m+1 वेयर एम बिलोंग टू डब्ल्यू होल नंबर्स, एक्स लेस देन 50, एक्स लेस देन नेचुरल नंबर्स, फाइंड ए माइनस बी एंड डिस्प्ले इट विद द वेन डायग्राम। यहां पर हमको जो लेना है एक्स लेस देन 50 से कम वाले परफेक्ट स्क्वायर्स लेना है, उसी तरह यहां पर 8m+1 50 से कम वाले लेना है। तो इसको हम सपोज ए इज इक्वल टू ले लेंगे, ए इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर क्या आ जाएंगे, 8 1 1 1 2 2 4 3 3 9 4 4 16 5 5 25 6 6 36 7 7 49 यहीं तक ले सकते हैं क्योंकि यहां पर हमको एक्स लेस देन 50 दे दिया गया है। उसी तरह B इज इक्वल टू हमको लेना है 8m+1 करना है, तब हम क्या करेंगे m के वैल्यूज ले लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक ले सकते हैं क्योंकि 50 से कम होना चाहिए हमको, 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पर 8m के प्लस में 0+1, 8 × 0 0+1 1 हो जाएगा ये 1। उसी तरह 8m के प्लस में 1+1, 8 × 1 = 8+1 क्या हो जाएगा 9। उसी तरह 2 ले लेंगे +1, 8 × 2 = 16+1 हो जाएगा ये हो जाएगा 17। उसी तरह 8 3 ले लेंगे +1, 8 × 3 = 24+1 हो जाएगा 25। उसी तरह 8 4 ले लेंगे +1, 8 × 4 = 36+1 हो जाएगा 37। उसी तरह हम 5 ले लेंगे +1, 8 × 5 = 40+1 हो जाएगा 41। 8 6 ले लेंगे +1, 8 6 = 48+1 = 49 ये 49 हो गया। तब हम लिख सकते हैं यहां पर ए की वैल्यू आ गई, हम अब बी इज इक्वल टू अभी जो आंसर आई यहां पर लिख देंगे हम, 1 आ गया, 9 17 25 37 41 49 ये आंसर हमको आ गए। अब हम a माइनस बी करना है, तब हम क्या करेंगे यहां पर a माइनस बी इज इक्वल टू a की वैल्यू लिख देंगे 1 4 9 16 25 36 49 माइनस b की वैल्यू लिखेंगे 1 9 17 25 37 41 49 ये हम लिख दिए। अब दोनों में जो इक्वल है इसको आप माइनस में कैंसिल करते हैं, देखिए 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा, और कोई कैंसिल हो रहा 25 25 कैंसिल हो जाएगा, जो रिमेनिंग फर्स्ट ब्रैकेट में जो बच रहे वही लिखना है हमको। यहां पर 4 बच जाएगा 16 36 49 ये बच गया। अब इसको आप वेन डायग्राम में डालना है चाह रहे तो ये वेन डायग्राम है ए बी, जो कॉमन नंबर है जो कैंसिल करे आप यहां पर लिख देना 1 9 25 यहां पर लिख देना है। अब रिमेनिंग ए वाले यहां पर बी वाले यहां पर लिख दो आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर दिया गया है ए इज इक्वल टू 1 2 4 6 8 10, बी इज इक्वल टू 1 2 3 4, सी इज इक्वल टू 3 6 10 देन प्रूफ, या प्रूफ करना है हमको। सबसे पहले हम फर्स्ट बिट ले लेंगे ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी,
इसका लेफ्ट हैंड साइड पहले ये प्रूफ करेंगे, ए माइनस बी यूनियन सी। इसके लिए सबसे पहले बी यूनियन सी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बी यूनियन सी। बी की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर देखिए 1, 2, 3, 4 है, उसी तरह यूनियन सी की वैल्यू 3, 6, 10 है। यूनियन का मतलब क्या है, हम इसको पूर्व मिला के लाइन से लिखेंगे 1, 2, 3, 4 और 6, 10, ये हो गया ये यूनियन। अब ये पूरा करना है आपको, ए माइनस बी यूनियन सी करना है। तो ए की वैल्यू ले लेंगे आप 1, 2, 4, 6, 8, 10 क्वेश्चन से, माइनस बी यूनियन सी ये हो गया 1, 2, 3, 4, 6, 10। दोनों में जो एज इट इज है कैंसिल करेंगे, 1, 2, 1, 2 कैंसिल, 4 भी कैंसिल हो गया, 4, 6 और 6 भी कैंसिल हो गया, 10 और 10 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग बच जाएगा यहाँ पे 8, ये हो गया। अब नेक्स्ट RHS लेना है आपको, RHS A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस सी है। तब A माइनस बी फाइंड आउट कर लीजिए आप, A की वैल्यू हो जाएगी 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10 माइनस बी की वैल्यू 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 4, 4 कैंसिल, फर्स्ट ब्रैकेट में जो बच रहे हो लिखेंगे 5, 6, 8, 10 ए माइनस बी। अब ए माइनस सी करेंगे हम, ए की वैल्यू 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10 है क्वेश्चन के अंदर, माइनस सी की वैल्यू है 3, 6, 10। दोनों में जो एज इट है 6 और 6 कॉमन है कैंसिल, यहां पर जो बच रहे हो लिखेंगे हम 1, 2, 4, 5, 8, 10। अब ये दोनों को मिला के करना है, पूरा क्वेश्चन हम ले लेंगे, क्या है क्वेश्चन, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ए माइनस बी का आंसर 5, 6, 10, 8, 10 इंटरसेक्शन, ए माइनस सी का आंसर 1, 2, 4, 5, 8, 10। अब इंटरसेक्शन है दोनों में एज इट इज, जो कॉमन है वही लिखेंगे हम, देखिए दोनों में कॉमन सिर्फ 8 है, यहां पर 8, तो दोनों आंसर हमको बराबर आ गए। तब लास्ट में लिख सकते हैं हम ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, हम ये लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आंसर्स बराबर आ गए। अब उसी तरह सेकंड बिट भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ये फर्स्ट बिट की तरह ही है। यहां पर एक क्वेश्चन है, देखिए जून 2016 में आया है क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल एक्स बाई एक्स बिलोंग टू एन एंड एक्स इज मल्टीपल ऑफ 4, एक्स को मल्टीपल ऑफ 4 लेना है, उसी तरह एक्स मल्टीपल ऑफ 6 लेना है बी को, उसी तरह एक्स मल्टीपल ऑफ एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 लेना है। तो ए एंड बी फाइंड आउट करते हुए हाउ कैन यू रिलेट द सेट ए इंटरसेक्शन बी एंड सी, हम ए इंटरसेक्शन बी को किस तरह रिलेट कर सकते हैं सी से, हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ए इज इक्वल टू लिखेंगे, ए इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4 दे दिया, मैंने 4 का टेबल, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, उसी तरह 4 4 16, 4 5 20, इस तरह हो जाएगा ये। बी इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ क्या दे दिया, 6 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, इस तरह दे दिया ये। सी इज इक्वल टू क्या दे दिया, एलसीएम दे दिया, किसका एलसीएम है, एलसीएम ऑफ 4 एंड 6, तब हम क्या करेंगे 4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, 2 2 4 2 3 6, 2 2 4 2 3 6, 2 1 2 3, 2 3 1 3। तो यहां पर एलसीएम किसका, एलसीएम क्या हो जा रहा है यहाँ पे 4 और 6 का, 2 2 4 3 12, या 2 × 2 × 3, 2 2 4 3 12 हो जा रहा है, ये सी की वैल्यू है। अब यहां पर हम लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू 12 का टेबल, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, ये मल्टीपल ऑफ एलसीएम का हो गया 12 का। अब यहां पर हम ले सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करो वाला, ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू है 4 8 12 16, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 6 12 18 24, इंटरसेक्शन दोनों में जो कॉमन है वही लिखेंगे हम, दोनों में कॉमन देखिए कौन सा है यहाँ पे 12 है, सिर्फ यही कॉमन है इसके अंदर दोनों में, दोनों के अंदर कॉमन 12 एंड और कोई है, कोई भी नहीं है, तो इसलिए यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी एंड सी आर इक्वल सेट्स। देखिए यहां पे 12 है
यहाँ पर भी एलसीएम हमको 12 आया है, यहाँ पर ये दो इक्वल है, तो इसलिए हम यहाँ दोनों इक्वल लिख सकते हैं। देखिए जून 2016 का सेम एज इट इज क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स बिलोंग टू एन एंड एक्स इज ए फैक्टर ऑफ 30, एक्स 30 का फैक्टर है, उसी तरह एक्स प्राइम फैक्टर ऑफ 30 के प्राइम फैक्टर्स लेना, ड्रा द वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी। तब हम क्या करेंगे, यहां पर ए इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ 30 के फैक्टर्स लेना है, तो हम 30 के फैक्टर्स क्या क्या ले सकते हैं, 1 के टेबल में 2, 3, 5, 6, 10, 15 या 30 सभी टेबलों में आ जाएगा 30। बी इज इक्वल टू प्राइम फैक्टर्स लेना है 30 के, तो 30 के प्राइम फैक्टर्स 2, 3, 5 बन जाएगा, 2, 3, 5 ये प्राइम फैक्टर्स है। अब इसके लिए ए यूनियन बी करो बोला, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए के वैल्यू 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 यूनियन बी 2, 3, 5। यूनियन का मतलब क्या है, दोनों में एज इट इज जो है मिला के लिख देना 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 ये यूनियन हो जाएगा। अब इसके लिए वेन डायग्राम ड्रा करना है हमको, ये वेन डायग्राम हो जाएगा ए बी। देखिए दोनों में जो कॉमन है यहां पर लिखेंगे 2, 3, 5 कॉमन है, रिमेनिंग ए के जो रिमेनिंग बच रहे यहां पर लिख दीजिए 1, 6, 10, 15, 20 दो भी बच रहे, रिमेनिंग बी में जो बच रहे यहां पर आप लिख दे सकते हैं, ये वेन डायग्राम हो जाएगा। देखिए जून 2018 का क्वेश्चन है, इफ ए एक्स बाई एक्स इज ए प्राइम फैक्टर प्राइम एंड एक्स लेस देन 10, एक्स इज ए फैक्टर ऑफ 6, फाइंड इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी एंड ए माइनस बी। तब क्या करना है, प्राइम लेना है, प्राइम नंबर लेना है एक्स लेस देन 10 से, तो हमको ए इज इक्वल टू एक्स लेस देन 10 से प्राइम नंबर्स 2 हो जाएगा, 3, 5, 7 ये प्राइम नंबर्स जाएंगे। बी इज इक्वल टू दे दिया 6 के फैक्टर्स 1 और कौन से टेबल में आएगा 2, 3 और 6 ये प्राइम फैक्टर्स है। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसको ए यूनियन बी करो बोला, तो ए यूनियन बी 1, 2, 3, 5, 7 यूनियन 1, 2, 3, 6 ये दोनों को मिला के लिख देंगे 1, 2, 3, 5, 6, 7 ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज लिख के जो कॉमन हो लिख देंगे हम 2, 3, 5, 7 इंटरसेक्शन बी 1, 2, 3, 6 दोनों में कॉमन कौन से देखिए 2, 3, 2, 3, 2, 3 ए माइनस बी कह रहा है ए माइनस बी लिखेंगे हम 2, 3, 5, 7 माइनस बी है 1, 2, 3, 6 जो कॉमन है कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे जो बचा वही लिखेंगे, क्या बचा यहाँ पे 5 एंड 7। देखिए यहाँ पे ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 बी इज इक्वल 2, 4, 6, 8, 10 दे दिया, इसको हम वेन डायग्राम में ड्रा करना है, ये वेन डायग्राम है ए बी, दोनों में जो कॉमन है उसको हम क्या करेंगे इसके अंदर ए यूनियन बी का हम वेन डायग्राम ड्रा करना है इसके अंदर, तो इसके लिए हम सबसे पहले ए माइनस बी कर लेंगे 1, 2, 3, 4 माइनस 2, 4, 6, 8, 10 दोनों में जो कॉमन है कैंसिल कीजिए, 2 और 2 कॉमन है कैंसिल, 4 और 4 कैंसिल, बच गए यहां पर 1, 3 तो यहां पर हम लिखेंगे ये 1, 3 यहां पर लिखेंगे और 2 कॉमन है यहां पर लिखेंगे 6, 8, 10 यहां पर, तो हम ए में से हमको बी को माइनस कर देना है, तो यहां पर हम लोग इसको ए इस तरह डाल सकते हैं। देखिए यहां पर भी इफ ए इज इक्वल टू एक्स बाय एक्स बिलोंग टू एन एक्स लेस देन 10 है, एक्स बाय एक्स प्राइम नंबर्स एक्स लेस देन 10 है, शो दैट ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, ये ड्रॉ करना है हमको। सबसे पहले हम ए के अंदर जो वैल्यूज दे दिया वो ले लेंगे एक्स लेस देन 10, एक्स लेस देन 10 का मतलब क्या है 10 से कम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक ले सकते हैं हम ए, और बी इज इक्वल टू क्या दे दिया प्राइम नंबर्स दे दिया, प्राइम नंबर्स क्या हो जाएंगे 2, 3, 5, 7 ये प्राइम नंबर्स है, तो ए माइनस बी ले लेंगे सबसे पहले, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 माइनस बी 2, 3, 5, 7 देखिए 2, 3, 5, 7 2, 3, 5, 7 कैंसिल, 1 बच गया, 4 बच गया, 6 बच गया, 8 बच गया, 10
ये 9 बज गया। अब b माइनस a करेंगे, इसको हम पलटा के लिखेंगे, तो b 2 3 5 7 माइनस a की वैल्यू लीजिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो एज इट इज ए कैंसिल करें 2 3 5 7 2 3 5 7, यहां पर कुछ भी नहीं बच रहा, तो ये नल सेट हो जाएगा आंसर। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तब क्या करेंगे, a माइनस बी का आंसर और b माइनस ए का आंसर बराबर नहीं आया। अब इसको हम वेन डायग्राम में ड्रॉ करने के लिए, सपोज एक वेन डायग्राम ले लेंगे, यहां पर एक छोटा ले लेंगे, ए हो गया ए, यहां पर सपोज ये बी दे देंगे, तो 2 3 5 7 यहां पर लिखेंगे हम, जो कॉमन है वो, जो कॉमन है मतलब जो कैंसिल कर रहे हैं हम यहां पर, 2 3 5 7 यहां पर लिखेंगे। अब रिमेनिंग यहां पर लिखेंगे 4 6 8 9, देखिए ये लोगों को हम क्या कर सकते हैं, इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए यहां पर यूजिंग वेन डायग्राम वेरीफाई, ये वेरीफाई करना है हमको, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रूफ करना है। तो यहां पर लेट इज इक्वल टू ये वैल्यूज दे दिया, बी इज इक्वल टू वैल्यूज दे दिया, तब हम क्या कर सकते हैं, लेट ए इज इक्वल टू, अब सबसे पहले हमको क्या करना है, ए यूनियन बी मालूम करेंगे, तो यहां पर ए यूनियन बी ले लेंगे पहले हम, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए 1 2 3 4 5 है यूनियन 2 3 6 7 9, अब इसको हम लाइन से लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 9, एक और करना है ए इंटरसेक्शन बी भी करना है 1, क्योंकि यहां पर ए यूनियन बी है ए इंटरसेक्शन बी है, दो करना है हमको 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन 2 3 5 6 7 9, अभी दोनों में जो कॉमन है वो लिखेंगे। देखिए दोनों में कॉमन कौन से नंबर है इसके अंदर, ए इंटरसेक्शन बी अगर आप करेंगे तो कॉमन 2 है 2 3 है 2 3 और कोई भी नहीं है 2 3। अब आप लिख सकते हैं क्वेश्चन में क्या दे दिया उन्हें, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे दिया, तब हम क्या करना है इसके अंदर, ये काउंट करना है। देखिए ए के अंदर, यहां पर ए के अंदर कितने जम्बर 1 2 3 4 5, तो यहां पर हम लिख लेंगे नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 5 नंबर्स है। नंबर ऑफ बी के अंदर काउंट कीजिए आप कितने हैं, देखिए यहां पे 1 2 3 4 5, बी के अंदर भी 5 है। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अभी हम करें, यहां पर है कितने हैं, यहां पे 2 है, तो यहां पे 2 लिख देंगे। अब देखिए यहां पर ये पूरे आ गए हमको, तो यहां पर ये टोटल नंबर्स ए यूनियन बी अगर आप करेंगे, ए यूनियन बी करेंगे तो टोटल गिनिए आप कितने हैं, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर है 8, ये 8 लिख देंगे। अब इसको सब्स्टिट्यूट करना है आपको, तो क्या हो जाएगा, यहां पर टोटल सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 8 इज इक्वल टू ए यूनियन बी, ये 8 हो गया। फिर नंबर ऑफ ए कितना है, यहां पे नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 5 है, नंबर ऑफ बी भी 5 है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2 है माइनस 2, 8 इज इक्वल टू 5 5 10 माइनस 2 कितने हो जाएंगे 8, दोनों यहां पर बराबर हो जाएंगे।